अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मंथ 14 के वीक 2 के आरपी मिशंस के बारे में। तो चलिए गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला मिशन जो है वो रॉयल पास वालों के लिए है, जिन्होंने रॉयल पास लिया हुआ है। वो मिशन ये है कि यूज़ फर्स्ट एड किट 30 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो गाइज़ ये मैं आपको किट दिखा देता हूँ, आपने इस किट को 30 टाइम्स यूज़ करना है। तो गाइज़ ये आप पर डिपेंड करता है, आप एक मैच में करना चाहें या एक से ज़्यादा मैचेस में करना चाहें तो ये मिशन आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ नेक्स्ट जो मिशन है वो है पिकअप गिली सूट इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो ये भी गाइज़ रॉयल पास वालों के लिए मिशन है कि 5 मरतबा आपने ये गिली सूट को पिकअप करना है और क्लासिक मोड में करना है, यानी कि आप लिवी खेलें, इरेंगल खेलें या कोई भी क्लासिक मोड खेलकर आप ये मिशन कर सकते हैं। और गाइस याद रखिएगा ये एक मैच में एक बार ही काउंट होगा। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट मिशन है वो रिपीटेबल मिशन है, स्पेंड 100 मिनट्स इन अ मैच। ये तो ऑटोमेटिकली आप जितना ज़्यादा खेलेंगे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। 600 मिनट्स आपने जो है एक वीक के अंदर मुकम्मल करने हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट मिशन है एलिमिनेट 14 एनिमीज विद असॉल्ट राइफल्स इन पोचिंकी इरेंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइस इरेंगल मैप में जाकर के आपने इन असॉल्ट राइफल को यूज़ करते हुए आप ये मिशन कर सकते हैं। फिर आप AKM यूज़ कर लें, 16A4 यूज़ कर लें, स्कारल कर लें, M4 कर लें, ग्रोजा कर लें, ओक कर लें या कोई भी, ये जो सारी मैं आपको शो करवा रहा हूँ इनमें से आप कोई भी यूज़ करते हुए आप ये मिशन ईजिली कर सकते हैं। और गाइस इस मिशन की एक ख़ास बात ये भी है कि ये फ्रेंड बूस्ट मिशन है, यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इसको करते हैं तो ये आपका एक मैच में भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका फ्रेंड किसी AR गन से किसी बोट को या किसी भी एनिमी को मारता है तो ये आपका भी काउंट हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मिशन है वो है एलिमिनेट 14 एनिमीज विद M249 इन क्लासिक मोड। तो गाइस ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये M249 है, आप इस गन को यूज़ करते हुए आपने 14 एनिमीज को किल करना है। तो ये आप किसी भी मैप में यूज़ करते हुए आप ये मिशन कर सकते हैं, फिर चाहे लिविक हो, इरेंगल हो या कोई भी हो, क्लासिक मैच होना चाहिए बस। और गाइस इस मिशन की ख़ास बात ये भी है कि ये भी फ्रेंड बूस्ट है, अगर आपका फ्रेंड भी ये मिशन करेगा तो साथ साथ आपका भी काउंट हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मिशन है वो है इन क्लासिक मोड एलिमिनेट प्लेयर्स विद व्हीकल 4 टाइम्स विद टीममेट्स। तो गाइस इस मिशन में आपने क्या करना है, 4 एनिमीज को आपने क्या करना है गाड़ी के साथ जो है वो एलिमिनेट करना है, यानी कि उनको उड़ाना है, मारना है, जो मर्ज़ी समझ लें आप। तो इसमें आप अपने दोस्त को भी ले सकते हैं या किसी अननोन प्लेयर को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक टीम बूस्ट है, इसमें कोई फ्रेंड वाला सीन नहीं है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मिशन है वो है एलिमिनेट 5 एनिमीज विद DBS इन क्लासिक मोड। तो गाइस आपने 5 एनिमीज को DBS के साथ क्लासिक मोड में एलिमिनेट करना है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये DBS है, इस गन को आप यूज़ करते हुए आपने 5 जो है किल करने हैं, इनके एलिमिनेट करने हैं क्लासिक मोड में, क्लासिक मोड या फिर आप लिविक खेल लें, किसी भी मैप को यूज़ करते हुए आपने इस DBS गन से 5 एनिमीज को फिनिश करना है, तो ये आपका मिशन काउंट हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मिशन है वो है एलिमिनेट 10 एनिमीज विद मिनी 14 इन क्लासिक मोड। तो गाइस इस मिशन में आपने इस मिनी 14 के ज़रिए से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ज़रिए से, आपने 10 एनिमीज को क्लासिक मोड के अंदर जो है वो आपने किल करना है। और ये याद रखिएगा मिनी 14 जो है वो लिविक में दस्तयाब नहीं होती, मिनी 14 आपको इरेंगल में ईजिली मिल जाती है और दूसरे मैप में भी मिल जाती है, लेकिन लिविक में नहीं मिलती। तो यानी कि ये जो आपका मिशन है ये लिविक में नहीं होगा, बाकी जो मैप हैं उनमें ये आपका मिशन ईजिली हो सकता है। 10 एनिमीज आपने इस गन के ज़रिए से किल करने हैं गाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन है वो है कंप्लीट 20 क्विक ड्रॉज इन चीयर पार्क। तो गाइस ये पिछले सीजन भी उन्होंने दिया था मिशन, इस बार फिर उन्होंने यही मिशन दिया है। तो ये कि कुछ लोगों को तो पता होगा इस मिशन के बारे में, अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने लॉबी में जाना है, लॉबी में जा कर के आपने चीयर पार्क में चले जाना है। तो गाइस ऐसे चीयर पार्क में जा कर के आपने जो है, मैं आपको बता देता हूँ जगह कौन सी है, आपने वहाँ पर जाना है, आपने इस जगह पर आ जाना है। आपने यहाँ पर आ कर के
थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपका आप आगे रूल्स भी शो हो रहे होंगे और ड्यूल भी शो हो रहे होंगे। तो न्यू ड्यूल आपने यहाँ पर आके आपकी मर्ज़ी है, आपने नॉर्मल करना है, असॉल्ट राइफल करना है, स्नाइपर करना है, तो असॉल्ट राइफल जो है वो ईजी रहता है M416 के साथ। तो यहाँ करके मैं जो है यहाँ पर ड्यूल लगा दिया है, और कोई ओपोनेंट आता है यहाँ पर तो फिर उसकी और मेरी फ़ाइट हो गई, हमारे दो राउंड होंगे और दो राउंड जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं। तो गाइज़ अभी अवेटिंग अपोनेंट आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर चिर पार्क के अंदर जो है लोग अभी कम हैं। तो गाइज़ जैसे ही कोई ओपोनेंट आता है तो आप यहाँ से इजीली मैच जो है वो खेल सकते हैं। तो गाइज़ ये शर्त नहीं है कि आपने जो है जीतना है या हारना है, बस आपने कंप्लीट करने हैं 20 क्विक ड्रॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिशन पे चलते हैं। तो गाइज़ आगे मिशन आ जाता है एलिमिनेट 22 एनिमीज विद 762 इन क्लासिक मोड। बैरल के नाम से ये गन पहचानी जाती है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ इस गन को यूज़ करते हुए आपने इस मिशन को अंजाम देना है। उसके बाद गाइज़ नेक्स्ट जो दो मिशन वो रह गए हैं वो अरीना वाले मिशन है। उसमें जो पहला मिशन है वो है कंप्लीट 12 मैचेस विद फ्रेंड इन अरीना मोड। तो ये गाइज़ बहुत ही आसान मिशन है, इसमें आपने सिर्फ अपने दोस्त को साथ मिला के अरीना मोड खेलना है, फिर चाहे वो आप जीतें या हारें लेकिन आपका एक काउंट हो जाएगा। इस तरह आपने 12 मैचेस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन है वो है एलिमिनेट 80 एनिमीज विद M164A इन अरीना मोड। तो गाइज़ ये मिशन मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, तो इस पर मैंने तो कार्ड लगा दी हैं आरपी कार्ड, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस गन को यूज़ करते हुए आपने जो है 80 एनिमीज़ को एलिमिनेट करना है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो आज की बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।